चुनावी विश्लेषण में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो 2021 विधानसभा चुनाव किन किन राज्यों में 2021 विधानसभा चुनाव होने हैं और किन किन राज्यों में किस पार्टी को कितना नुकसान होगा, किस पार्टी को यहाँ पर सरकार बनाने के आंकड़े दिखाएंगे नहीं, और 2021 में कितनी सीटों का नुकसान बीजेपी को इस राज्य में दिखाई दे रहा है, क्या बीजेपी इस राज्य में सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच पाएगी या नहीं। बता दें केरल विधानसभा चुनाव 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव चुनावी विश्लेषण के साथ एक बार फिर से हाजिर है। बता दें केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और यहां पर अगर बात करें तो असम में 2021 विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे केरल विधानसभा चुनाव 2021 विश्लेषण के लिए। जी हाँ दोस्तों, केरल जो है हमारे भारत का सबसे अच्छा राज्य जो कि स्टडी के लिए जाना जाता है। बात करें केरल के लिए तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ पर नायक विजन है और यहाँ पर अगर बात करें तो CPIM पार्टी से वो आते हैं। बता दें केरल में गठबंधन का स्वरूप किस प्रकार का है, UDF, LDF और NDA, तीन महागठबंधन होते हैं और यहाँ पर बात करें तो तीन दल यहाँ से आते हैं और बड़ी पार्टियाँ इनमें सम्मिलित होकर चुनाव लड़ती हैं। लेकिन बता दें कि LDF की वर्तमान में सरकार है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो लोकसभा में जिस प्रकार के आंकड़े बने हैं LDF के लिए और NDA के लिए, NDA जो है पूरे भारतवर्ष में छाया रहा लेकिन केरल में जबरदस्त नुकसान भी हुआ, इसका क्या परिणाम विधानसभा चुनाव में यहाँ पर देखने को मिलेगा। UDF जो कि यहाँ पर उभरता है लोकसभा में, इसके लिए अच्छी सीटें यहाँ पर मिली हैं, तो सभी आंकड़े आपको दिखा देंगे। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किस पार्टी के साथ है, किस गठबंधन के साथ कौन कौन सी पार्टी आती है। बता दें अगर यहाँ पर तो UDF पार्टी के लिए जो यहाँ पर गठबंधन है, इस गठबंधन में यहाँ पर बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी और केरला कांग्रेस एम और यहाँ पर रिवोल्यूशन, यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी, तो ये चार पार्टी जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि UDF पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है। क्या ये गठबंधन केरल विधानसभा चुनाव 2021 में सरकार बनाने के आंकड़े जुटा पाएगा? लोकसभा में तो काफी अच्छे आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI जो दो दल हैं, इन्होंने 2016 में यहाँ पर सरकार बनाई हुई है। और अगर यहाँ पर बात करें तो NDA के साथ कौन कौन से दल आते हैं, देखिए एक तो BJP है और यहाँ पर भारत धर्म जन सेना पार्टी है और केरला कांग्रेस जो पार्टी है वो यहाँ पर दल के अंदर आती है। बात कर लेती है कि आगे किस प्रकार की रणनीति किस पार्टी की रहेगी। इससे पहले अगर बात करें तो कुल यहाँ पर 140 सीटें विधानसभा की आती हैं और 71 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। अब ये 71 सीटें किस पार्टी के खाते में जाएंगी, किस गठबंधन के साथ जाती हैं, आगे आपको पूरे जो विश्लेषण है वो आपको दिखाएंगे। इससे पहले अगर बात करें तो जो यहाँ पर 2016 में जो यहाँ पर पार्टियों को किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल हुई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 19 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लिए 58 सीटें और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर हासिल हुई। इसके अलावा यहाँ पर बात करें भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट, इंडियन यूनिट मुस्लिम लीग को 18, केरल कांग्रेस एम को 6 और जनता दल सेक्युलर के लिए 3 सीटें हासिल हुई। इसके अलावा कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी 1, केरल कांग्रेस जेकब 1, केरल कांग्रेस बी 1, कांग्रेस सेकुलर 1 और नेशनल सेकुलर कॉन्फ्रेंस 1। इसके अलावा कुछ निर्दलियों को यहाँ पर सीटें गई। लेकिन 2019 में लोकसभा के आंकड़े क्या बने, एक तरफ पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी लेकिन केरल वो राज्य था जहाँ मोदी लहर गायब थी। देख सकते हैं आंकड़े किस प्रकार के बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग और केरला कांग्रेस एम और रेवोल्यूशन सोशल पार्टी एन 4, ये दल मिलकर जो आंकड़े निकले, 16 सीटों पर कांग्रेस लड़ी तो 15 सीटें हासिल हुई और यहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीग ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, 2 सीटें हासिल हुई, केरला कांग्रेस एम को 1 पर लड़ी, 1 ही जीती और यहाँ पर बात करें रेवोल्यूशनरी सोशल पार्टी के लिए 1 पर लड़ी और 1 ही सीट हासिल हुई। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 20 सीटें यहाँ पर लोकसभा की यहाँ पर कांग्रेस जो गठबंधन था उसको हासिल हुई, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लिए 14 पर लड़ी लेकिन सीट हासिल हुई 1 लोकसभा की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4 पर लड़ी लेकिन 0 हासिल हुई, यहाँ पर इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन 1 भी सीट उनको हासिल हुई। कहना यह है कि जो वर्तमान में सरकार उसको लोकसभा में केवल 1 सीट हासिल हुई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर NDA के लिए, तो
एनडीए को जो गठबंधन है, बीजेपी हो, इसमें भारत धर्म जनसेना हो या केरला कांग्रेस पार्टी हो, उन सभी को मिलाकर एक भी सीट यहाँ पर बीजेपी एनडीए के खाते में एक भी सीट नहीं गई। और ये संकेत है विधानसभा चुनाव 2021 के, क्या बीजेपी को यहाँ से कुछ सीट मिल पाएंगे नहीं। ये टोटल आंकड़े भी दिखाते हैं लोकसभा के। यूडीएफ पार्टी के लिए 20 सीट हासिल हुई तो एलडीएफ पार्टी के लिए एक, एनडीए को यहाँ पर एक भी सीट हासिल नहीं हुई। क्या ये परिणाम 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर परिवर्तित हो जाते हैं तो फिर क्या कुछ आंकड़े बढ़ सकते हैं, वो आपको दिखाते हैं। केरल विधानसभा चुनाव, चुनावी विश्लेषण, ओपिनियन पोल, किस पार्टी कितनी सीटें जा सकती हैं। बता दें सबसे पहले कांग्रेस गठबंधन के लिए 55 सीटें और उसके सहयोगी AIML पार्टी को 22, केरल कांग्रेस एम के लिए 6 और RSP को 4 सीट। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर UDF गठबंधन है वो कहीं ना कहीं सरकार के आंकड़े तक पहुँच रहा है। इसके अलावा अगर बात करें LDF गठबंधन के लिए तो CPIM को 28 और CPI को 11 सीट यहाँ पर हासिल हो सकती है। यहाँ पर अगर बात करें एनडीए को 5 सीट यहाँ पर जा सकती है केरल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए। टोटल आंकड़े अगर आपको दिखा दें तो इस तरह के आंकड़े जो है बन सकते हैं, ये ओपिनियन पोल है और इन ओपिनियन पोल में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े बने हैं उन आंकड़ों को देखते हुए इस तरह के आंकड़े एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं केरल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए। की बात करें UDF जो गठबंधन है यानी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल केरल के अंदर सरकार बना सकते हैं, 87 सीटें उनको आ सकती हैं, 70 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है आंकड़ों के हिसाब से। और यहां पर अगर बात करें तो LDF की पार्टी उसको 39 सीटें और गठबंधन NDA गठबंधन जो है उसको 5 सीट यहां पर आ सकती हैं, उधर पार्टी के लिए 9 सीट यहां पर आ सकती हैं। ये केरल विधानसभा चुनाव 2021 विश्लेषण आपको दिखाया है। फिर भी आपको क्या लगता है, क्या 2021 में UDF गठबंधन जो कांग्रेस गठबंधन है उसको यहाँ पर सरकार बनाने के आंकड़े मिलेंगे और यहाँ पर LDF जो गठबंधन है क्या इस वापस से वो सरकार में वापसी कर पाएंगे, या फिर NDA जो गठबंधन है जो कि काफ़ी पिछड़ता नज़र आया है लोकसभा में भी, जहाँ पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी और हर राज्य में कहीं ना कहीं BJP ने जो है जमकर यहाँ पर सीटें हासिल की लोकसभा की, लेकिन केरल के अंदर BJP NDA का खाता भी नहीं खुला, तो क्या विधानसभा में भी वो यहाँ पर आंकड़े इस तरह के बना पाएंगी कि सरकार तक पहुँचे या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।